मेरा नाम दीपक है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये साल 2006 की बात है और उस समय मैं लगभग 10 साल का था। हम देहरादून के थोड़े बाहर रहते थे और मेरे पापा का यहाँ आज भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। हमारा बहुत बड़ा सा घर है। आज भी यहाँ पर मैं पुणे में रहता हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पे आया जाया करता हूँ। मुझे याद है एक शाम को मैं और मेरी दादी हमारे रसोई में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि दादी बात करते करते बिल्कुल चुप हो जाती है और उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। मुझे दादी के चेहरे पे बहुत डर दिखाई देता है और ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज को देख के बिल्कुल परेशान है। मैंने दादी से पूछा कि क्या हुआ है और वो इतनी परेशान क्यों है, तो दादी ने मुझे कहा कि कुछ नहीं और वो फिर से मुझसे बातें करने लगी। पर फिर लगभग कुछ मिनटों के बाद ही दादी ने एक बहुत जोर की चीख मारी और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चला जाऊं। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने भी खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मुझे वहां कुछ 5 या 6 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सारे लोग या फिर आप कह ले बच्चे लगभग 3 फीट के होंगे और ये लोग ठीक घर के सामने के गेट के बाहर खड़े हुए थे। मैं बता दूं कि हमारा घर बहुत ही बड़ा है और एक बहुत बड़े गार्डन के बाद हमारे घर का मेन गेट आता है। दादी मुझे उठा के सीधा ऊपर के कमरे में ले जाती है और उन्होंने तुरंत पापा को फोन भी मिलाया। पापा ने तुरंत दादी को बताया कि वो मुझे लेके भगवान वाले कमरे में चले जाए और दादी ने भी ठीक वैसा ही किया। लगभग आधे घंटे बाद पापा घर आते हैं और उन्होंने जोर से घर की बेल बजाई। दादी ने मुझे वही कमरे में रुकने के लिए कहकर वो नीचे दरवाजा खोलने चली जाती है। पापा थोड़ी देर में ही ऊपर मेरे कमरे में आ गए। मैंने उन दोनों से बहुत पूछा कि ये लोग कौन थे, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और उन्होंने ये कहा शायद आसपास के घर के कोई बच्चे होंगे। ये उस समय तो मुझे उस बात का भरोसा हो गया, मगर कुछ सालों बाद मुझे ये बात का सच पता चलता है। पापा एक बार मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे इसी इलाके में कुछ स्कूल के बच्चे आज से कई साल पहले पिकनिक के दौरान पहाड़ से गिर के मारे गए थे और इसी कारण उनकी आत्मा यहाँ पे कई लोगों को दिखाई देती है। बहरहाल जब मैं इस बात को उस शाम की बात से मिलाता हूँ तब मुझे पता चला कि उस शाम मुझे और दादी को क्या दिखाई दिया था। इसके बाद तो कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर हाँ आसपास कई लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि उन्हें आज भी ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं। मेरा नाम कुणाल है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये साल 2018 की बात है और मैं इस समय गुड़गांव में जॉब करता था। फिलहाल मैं जयपुर में ही रहता हूँ अपने परिवार के साथ और इसका कारण मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इस वक्त अकेले ही अपने फ्लैट में बैठा हुआ था एक शाम को और बहुत बोर भी हो रहा था। मुझे दिल था कि कहीं बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ बियर वगैरह पीऊं, मगर मैंने फिर घर में ही रहने का फैसला किया। जैसे हम सभी करते हैं, बोर हो रहा था तो मैंने YouTube पे अलग अलग वीडियोस देखना शुरू किया और पता नहीं कैसे और क्यों मुझे पैरानॉर्मल वीडियोस की रिकमेंडेशन आने लगी। अब मैं वीडियोस को देख ही रहा था कि अचानक एक वीडियो आता है। ये वीडियो किसी दूसरी भाषा में था, या तो लैटिन या फिर जर्मन, मैं ठीक से जानता नहीं हूं, पर यह वीडियो पिशाच के बारे में था। जी हाँ, पिशाच के बारे में। मैंने वीडियो को पूरी तरह से देखा और इसमें बहुत अजीब सी चीजें दिखाई जा रही थी,
जैसे कि कुछ लोग कहीं पे कोई पूजा वगैरह कर रहे हैं, फिर एक शमशान और फिर एक जंगल जहां अजीब से छोटे छोटे डॉल्स पेड़ पे लटके हुए हैं। अब सच कहूँ तो बहुत कुछ और भी था, मगर मुझे ये सब अब ठीक से याद भी नहीं है। बहरहाल ये सब देख के मैं अपने काम पे लग जाता हूँ और फिर मैं रात में सो गया। अब अगले 2 दिनों तक सब ठीक था, मगर फिर तीसरे दिन मुझे उसी चैनल का एक और वीडियो रेकमेंडेशन में आता है। अब फिर मैंने इस नए वीडियो को खोला तो ये वीडियो भी पिशाच का था और इस पे लिखा था Part 2। इसमें कुछ और ही नई चीजें दिखाई जा रही थी, जैसे कि एक पुराना हॉस्पिटल या फिर शायद वो पागलखाना था, कुछ ऐसा ही, एक चौराहा जहाँ पे कुछ टोना जैसा किया गया हो और फिर वही जंगल और डॉल्स। मैंने फिर इस वीडियो को पूरा देखा और इस बार मैंने सबटाइटल्स के साथ देखा, वो भी इंग्लिश के। अब आप जानते हैं कि YouTube के सबटाइटल्स बहुत अच्छे तो नहीं है, मगर जितना मैं समझ सका ये कहना चाहते थे कि अगर आपने दूसरा वीडियो पूरा देख लिया है तो अब आपका काम हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं कि ये किस काम के बारे में बोल रहे हैं। फिर मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इस रात को अचानक मेरी नींद खुल जाती है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दम घुट रहा हो और मैं जोरों से चिल्लाते हुए उठ जाता हूँ। मैंने देखा कि मेरे कमरे के दीवार पे एक परछाई पड़ रही थी और ये परछाई देख के ऐसा लगा जैसे कि कोई डॉल हो, मगर फिर मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं सो जाता हूँ। अगले कई दिनों तक मुझे बहुत अजीब से सपने आया करते थे और बार बार उठने पे मुझे एक परछाई जैसे दिखाई देती। मैंने जब थोड़ा सोचा तो मुझे दीवार पे ठीक ऐसे ही चीजों की परछाई दिखाई दे रही थी जो कि मुझे उन वीडियोस में दिखी थी। अब मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ और मैंने अपने ही एक जानकार चाचा को कॉल किया। जानकार से मेरा मतलब है जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता हो। मैंने अपने चाचा को ये पूरी बात बताई और फिर वो बोले कि वो अभी के अभी मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगले 2 दिन बाद ही मेरे चाचा यहाँ आ जाते हैं और जब मैंने उन्हें वो वीडियोस दिखाए तो उन्होंने दूसरा वीडियो पूरा नहीं देखा और मुझे बोले कि तुमने जाने अनजाने में ये वीडियो देख के एक पिशाच को अपने पास बुला लिया है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि चाचा ये क्या बकवास कर रहे हैं, मगर फिर जब उन्होंने मुझे और कई सारी बातें बताई, जैसे कि क्या क्या मुझे कुछ नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 333, और क्या आजकल मेरा काम बहुत मुश्किल से हो रहा है या फिर लोग पहले मुझे जितना सम्मान देते थे अब नहीं दे रहे हैं, इन सब बातों ने मेरी आंखें खोल दी और फिर मैंने अपने चाचा के कहे अनुसार कुछ काम किए। वो खुद इन चीज़ों के अच्छे जानकार थे और उन्होंने मुझे कुछ पूजा करवाने के लिए कहा। हाँ ये तो सच है कि भले ही मेरे साथ यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ या फिर आप लोगों को ये कहानी ज़्यादा डरावनी ना लगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने अपने चाचा को सही समय पे सारी बातें ना बताई होती तो शायद मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता। मेरा नाम अजय है और ये घटना कोटा की है। मैं कोटा में एज ए टीचर काम करता हूं और ये बात लगभग आज से 5 साल पहले की होगी। मुझे यहां जॉब मिली और मैं अपनी बीबी के साथ यहां रहने आ गया। पहले तो मैंने लगभग 8 महीने एक भाड़े के घर में रह के बिताए, पर फिर एक दिन मैं और मेरा दोस्त कुछ घर देख रहे थे और मुझे अपने ही इंस्टीट्यूट के करीब एक पुराना मकान मिलता है। ये मकान सेल पे था
और इसका दाम भी इस जगह और एरिया के हिसाब से बहुत कम था। अगले 3 महीने तक सारी बातचीत और लोन वगैरह का काम करके हम आखिरकार इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं बता दूं कि ये एक 4 कमरों का बड़ा मकान था, जहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा किचन हॉल और एक बेडरूम था, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम बने हुए थे। पहले कुछ दिनों के बाद एक सुबह मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि क्या मुझे इस घर में कुछ एहसास या अजीब सा लगा है कभी। अब मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था तब तक, पर मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो वो कहती है कि उसे घर के कुछ जगहों पर सिगरेट की बदबू आती है, मतलब ऐसे जैसे कि किसी ने यहाँ सिगरेट पी हो। अब हमारे पड़ोसी का घर सच कहूँ तो काफ़ी दूर है, और अगर कोई सिगरेट पीता भी हो वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बदबू यहाँ तक आनी चाहिए। बहरहाल, तो उसने ये भी कहा है कि उसे कई बार ऐसा लगा है कि जैसे कि घर में कोई चल रहा हो, मतलब वो अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसे नीचे के फ्लोर से पैरों की आवाज़ आती है, और अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसे फर्स्ट फ्लोर से चलने की आवाज़ आती है। मैंने अब अगले कई दिनों तक इस चीज़ पे ध्यान दिया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सही बोल रही है। अब जब भी मुझे कहीं से पैरों की आवाज़ आती, यानी कि किसी के चलने की आवाज़ आती, तो मैं तुरंत वहाँ जाता, मगर हर बार वहाँ कोई भी नहीं रहता। मैंने ये भी देखा कि घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते, तो घर के अंदर किसी चोर या फिर किसी और के आने का सवाल भी उठ नहीं सकता है। तो फिर मेरे घर में ये आवाजें आ कहां से रही है। बहरहाल, तब तक तो ठीक था, मगर अब एक दिन मुझे सुबह उठने पे ही नीचे किचन से माइक्रोवेव की आवाज आती है। मैं बता दूं कि ये सुबह के इस वक्त मतलब लगभग 5 बज रहे होंगे, और इसीलिए बहुत शांति भी थी तो मुझे वो आवाज सुनाई दे देती है। मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे दिखा कि माइक्रोवेव 3 मिनट्स पे ही और काउंटडाउन पे चल रहा है, मतलब ये ऐसा था कि जैसे किसी ने माइक्रोवेव को 3 मिनट के लिए खाना गर्म करने के लिए रखा हो। मैंने इसे बंद किया और अंदर देखा तो कुछ नहीं था। मेरी पत्नी भी नीचे आती है, और उसने जब मुझे पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। हमें ये भी देखा कि एक बोल बहुत पुरानी सी दरवाजे के पास रखी हुई है। इसे देख के ऐसा लगा था जैसे कि ये किसी कुत्ते या बिल्ली के खाना देने वाली जैसे कटोरी या बोल रहती है, बिल्कुल वैसे थी। अब हम दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, और हमने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को ये बात बताई। बात होते होते हमने जब ये बात अपने ही एक पड़ोसी से पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे आने से पहले, यानी लगभग 8 साल पहले, यहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान रहते थे जिनका एक कुत्ता भी हुआ करता था। जब हमने उन्हें सिगरेट के बदबू वाली बात बताई तो वो बोले कि वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा सिगरेट भी पिया करते थे, और शायद उनकी मौत कैंसर के वजह से ही हुई थी। हमने कई दिनों बाद एक पंडित को घर पे बुलाया हवन और ग्रह शांति पूजा करवाने के लिए। पंडित जी आके सारी पूजा तो करते हैं, मगर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक आत्मा है बुजुर्ग इंसान की, मगर वो बहुत अच्छी है, और बल्कि उनके यहाँ रहने से यहाँ कभी वो हमारा बुरा नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। तो आज भी मैं उसी घर में रह रहा हूँ, और हाँ, हमें आज भी उन बुजुर्ग के होने का एहसास होता है, मगर हमें कभी भी उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बल्कि सच कहूँ तो इस घर में आने के बाद मेरी बहुत तरक्की हुई है, और मेरा बहुत अच्छा भी हुआ है। मेरा नाम साहिल है, और मैं कोंकण के एक शहर रत्नागिरी में रहता हूँ।
मेरे दो बच्चे हैं जो कि 6 और 3 साल के हैं और एक बहुत ही प्यारी पत्नी। मैं आपके साथ जो बात बताने वाला हूँ वो मेरे छोटे बेटे की बात है। वो इस वक्त डे केयर स्कूल में पढ़ाई करता है और उसके पास शायद किसी तरह की शक्ति या साइकिक पावर है और मुझे ऐसा ही लगता है। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा और आप सभी से जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक बार हमारा पूरा परिवार बीच पे गया हुआ था और अच्छा वक्त बिता रहा था। यहाँ पे कई सारे ऐसे बीचेस हैं जिसके बारे में सिर्फ लोकल्स ही जानते हैं और वहाँ टूरिस्ट का आना जाना बहुत कम है। तो हम चारों इस बीच पे थे और बस कुछ अच्छा वक्त बिता रहे थे कि तभी मेरे छोटे बेटे ने कहा कि वो पानी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें घड़ियाल है। अब मैं क्या कहूँ कि घड़ियाल तो कभी भी ऐसे सॉल्ट वाटर यानी समुद्री पानी में नहीं आते हैं, तो फिर ये घड़ियाल होने का कोई यहाँ चांस हो ही नहीं सकता है। पर ठीक है, जब बच्चे ने इतनी ज़िद की तो वो और उसकी माँ बीच पे ही बैठ के खेलने लगे, जबकि मैं और मेरा बड़ा बेटा पानी में खेल रहे थे। अब बस 1 घंटा ही गुजरा होगा इस बात को तो अचानक एक आदमी जो कि उसके परिवार के साथ ही बीच के दूसरे तरफ खेल रहा था, वो हमें आके इशारे से कुछ बताता है और चिल्ला के हमें पानी से निकलने का इशारा कर रहा था। शुरुआत में तो हम समझ नहीं पाए, बट फिर मैंने देखा वो आदमी शोर से मेरी बीवी की तरफ भाग के जाता है और अब ये दोनों ही बहुत पैनिक होके हमें पानी के बाहर आने को कह रहे थे। जब हम बाहर आके इस आदमी के पास गए तो वो कहता है कि उसने हम दोनों के आगे यानी मैं और मेरे बड़े बेटे के आगे पानी में एक घड़ियाल देखा और वो शायद इस ताक में था कि वो हम पे हमला कर सके। अब से कई घंटे पहले मतलब 1 ही घंटे पहले इस पानी में इतने सारे लोग थे और यहाँ एक घड़ियाल का होना नामुमकिन था। तो फिर मेरे बेटे को ये बात पहले से कैसे पता चल सकती है कि पानी में घड़ियाल है? दूसरी घटना है मेरे गांव के घर की। हमारे गांव के घर में एक बहुत बड़ा बगीचा है और जब भी मैं गांव में रहता हूं वहां हर सुबह पेड़ों में पानी डालता हूं। एक दिन सुबह जब दोनों बच्चे उठ के अपने कमरे में बैठे थे तो मैं उनके सामने से पेड़ों में पानी डालने जा रहा था कि मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा कि मैं आम के बगीचे की तरफ ला जाऊं क्योंकि वहां पे सांप है। मुझे लगा बच्चा है और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा होगा, तो मैं उस तरफ चला जाता हूं। जब मैं वहां पहुंचा और काम करने लगा तब मुझे एक किंग कोबरा वहां पे दिखाई देता है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे उसी वक्त नींद से जगे थे और ये कि वो बगीचा जिस तरफ है वो बच्चों के रूम से बहुत दूर है। तो फिर मेरे छोटे बेटे को ये बात कहाँ से पता चली कि वहाँ पे खतरा है और ये कि वहाँ पे एक सांप है? ये तीसरी घटना हुई जब हम अपने साले के घर जा रहे थे। उसका घर हमारे गांव के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और एक दूसरे गांव में पड़ता है। हम अपने घर से वहाँ जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे और तभी मेरा छोटा बेटा मुझे कहता है कि पापा, मामा के घर जाने वाले रास्ते का ब्रिज टूटा हुआ है तो हमें आज वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इस बार मुझे थोड़ा शक ज़रूर हुआ क्योंकि हर बार जब मेरा बेटा ये बातें बताता है तो उसकी आंखों में जैसे एक अलग सा तेज हो या फिर एक अलग आत्मविश्वास जो कि आप किसी 3 साल के बच्चे में नहीं देखेंगे। तो बहरहाल फिर भी हम अपने रास्ते निकल जाते हैं और जैसा उसने कहा लगभग आधे रास्ते जाके हमें वो ब्रिज टूटा हुआ मिलता है। वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि बस कुछ घंटों पहले ही इस ब्रिज में कोई प्रॉब्लम आई है और उन लोगों ने इसीलिए इसे बंद कर रखा है। वैसे एक दूसरा लंबा रास्ता भी था जो कि हमें 8 किलोमीटर घुमा के वहाँ ले जाता था।
मेरा सवाल है कि इस बच्चे को ये बात पता कैसे चल सकती है? क्या आप में से कोई है जो मुझे इस बारे में थोड़ा बता सकता हो कि आपको क्या लगता है, मेरे बेटे को ये बातें कैसे पता चल रही है? क्या उस पे किसी भगवान का आशीर्वाद है? और ये कि वो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मुसीबत से बचा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।